Assalamu Alaikum Namaste sashrika. So today in this episode we are going to talk about Marco Palace uh, and his journey from uh, Mulbek So uh, we have already talked about his journey till Mulbek that how he represented the people of Kargil especially uh, so uh, we can say that he did not represent truly about the culture and people of Kargil he just gave some information where he visited and moved away but from Mulbek, we can see that he describes each and every aspects of uh, uh, the place where he visits, of the people where he uh, you know meet, and everything he uh, describes in detail and in a very beautiful manner. So, in uh, the beginning, I want to say that I'm not a scholar of uh, Buddhism, and uh, I do not know anything about Buddhism. That's why uh, there are so many things that I am just skipping. So, agar एक बुद्धिस्ट स्कॉलर या कोई बुद्धिस्ट अगर इनको पढ़ेगा तो बहुत ही मज़ा आएगा तो बिकॉज ही यू नो एक्सप्रेस ईच एंड एवरी डिटेल विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म एंड इट्स ट्रीचिंग एंड इट्स आइडियोलॉजी बहुत ही खूबसूरत तो चलो हम uh, बिना टाइम uh, वेस्ट के आगे चलते हैं तो मलबे के बाद मूलबे में ही हमने बस सिर्फ यही कहा था तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों को वो uh, जाते हैं मूल स्टेचू पे जाते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे लामाज को मिलते हैं और लोगों के साथ ही मिलते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि बताते हैं कि जिस तरह से उन्होंने गोंचा पहना तो लोगों का रिएक्शन क्या था तो कहते हैं कि रिएक्शन बिल्कुल था ही नहीं इट वॉज़ जस्ट अ नॉर्मल वी वी वर जैस ए नॉर्मल गाय फॉर देम सो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि यार ये क्या पहनना है या ऐसे शाए आउट करके चले नहीं गए तो उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि मलबे का जो मैंने पहले कहा था कारगिलिंग के साथ कि जिस तरह से पहले के जो औरतें हैं कि वो हमको देख के ही मुंह मोड़ के वहाँ चले जाते हैं लेकिन मूल विक के जो लड़कियां या औरतें हैं ऐसी नहीं है दे आर वेरी मच सपोर्टिव एंड दे यू नो टॉक टू अस इन अ वेरी एलिगेंट मैनर सो आफ्टर दैट यू नो मार्को पैलेस रीच इज़ बहुत खरबो वन ऑफ द अनदर यू नो विलेज विच इज विच इज मोस्टली पॉपुलेटेड बाई बुद्धिस्ट सो वहाँ पर भी गोन्दाज में जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ मिलते हैं लामास के साथ मिलते हैं और ये बहुत ही oh. डिटेल में मैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी जाऊंगा तो डिटेल में वहाँ पे भी बधखरब के बारे में भी बोलते हैं लिखते हैं और उसके उस बाद लमायूरू जाते समय युरु मोनेस्ट्री उसको दूसरा भी बोलते हैं युरु मोनेस्ट्री तो मार्कोपेलिस ये करते हैं कि वो अकेला चला जाता है ना ना कोई उसके साथ कोई और बंदा होता है ना वो घोड़े पे जाता है और वो बोलते हैं अपने साथियों को कि तुम लोग निकल जाओ मैं अकेला चला जाऊंगा क्योंकि बीच में वो बहुत ही बड़ा पास आता है फोतौला पास आता है तो वो अकेला बस कुछ खाने पीने का सामान साथ में लेके वो चले जाते हैं तो जाते समय उस पर जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं वो अटैक करने लग जाते हैं तो थोड़ा डर भी जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको इधर उधर करते हुए जाते हैं लेकिन अचानक बाद में तो बहुत ज़्यादा डॉग्स आ जाते हैं तो एक शफड़ आके उनको बचा भी लेता है और ऊपर जाके वहाँ ख़ुद से बनाते हैं चाय जिस तरह से लद्दाखी बनाते हैं खुद से चाय उसी तरह से मतलब आसपास के कुछ लकड़ियों को जमा करते हुए फिर वहाँ पे ऐसे तीन गिप्पू के साथ दैट्स कॉल्ड गिप्पू आई डोंट नो उसको उर्दू या इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो वहाँ पे बता के उसको चाय को बना के फिर पीना तो वो बोलते दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट मैं पहली बार हालांकि मुझे अच्छे से चाय बनाना भी नहीं आता तो पहली बार मैं ख़ुद से लद्दाखी स्टाइल में टिब्बन स्टाइल में चाय बना के मैंने खुद का चाय खुद से पी लिया तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ा था उसके बाद जब फोतोला जब पहुंचते हैं फोतोला के बाद क्योंकि ये बहुत ही डिजर्टेड एरिया है फोतोला का जो जूं ही बहुत खरबो ख़त्म होने के बाद हैनसकोट के बाद एक डिजर्टेड एरिया एक ऊपर की तरफ चढ़ते चढ़ते जाते हैं उसके बाद नीचे नीचे जाते हैं ये सारा कुछ ख़त्म होने के बाद जूं ही वो लामायूरू पहुँचते हैं तो ही इज़ वेरी मच मैसमेराइज बाई द यू नो ब्यूटी ऑफ लामायूरू द ब्यूटी ऑफ द गपा द ब्यूटी ऑफ द मोनिस्ट्री एंड द विलेज डिसाइड सो so, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बयान करते हुए कहते हैं दिस इज द एट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आठवां अजूबा बोलते हैं लामा यूरूको मार्को पैलेस अपने उस अपने बुक में तो ये सारा करने के बाद जब वो अंदर चला जाता है मोनेस्ट्री के अंदर चला जाता है तो ही वॉज ही इज़ नॉट वेरी मच इम्प्रेस बाय द मंग्स एंड लामाज बाय द बिहेवियर ऑफ द मंग्स एंड लामाज बिकॉज व्हेन ही जस्ट इंटर्ड इन द कॉरिडोर ऑफ द मोनेस्ट्री ऑल द मंग्स एंड लामाज यू नो स्टूड देयर एंड दे शाउटेड बख्शीश टू इन देंस कि हमें टिप्स दे दो हमें पैसा दे दो तो बोलते हैं कि दिस इज ऑफ़ यू नो वेनल प्रैक्टिस दिस दिस इज़ इज़ जस्ट लाइक करप्शन कि इसका जो ये मैंने पहले भी आ, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला है कि लेम्बर्ड ने भी कॉलेमर्ड ने भी इस बात पे ज्यादा ये ये दिए कि लामास आर मोस्ट करप्ट ये जो होता है ऐसा नहीं होता थी ये तो बहुत ही नेगेटिवली एक था जो जिस तरह से ये लेम्बर्ड ने जिस तरह से लामास को पोर्ट्री किया था और उन्होंने तो उनको डर्टी भी बोला सेवेज भी बोला तो ये भी उन्होंने कंक्लूजन पे निकाला कि लामास को देख के कि भाई बुद्धिस्ट रिलीजन ब्रिज ओनली टू थिंग्स इन द इन देयर इंटायर लाइफ इज नेवर टू वॉच इज़ सेकंड वन इज नेवर टू टेक ऑफ देयर क्लोज अंटिल दे आर पॉजिटिवली ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द बॉडी तो ये बहुत ही नेगेटिव एक इमेज क्रिएट किया था आ, आ, मार्को नोट मार्कोपैलिस सॉरी कॉलेज लेम्बर्ट ने लेकिन यहाँ पे मार्कोपैलिस उन चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं लेकिन लामास को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो लोग बख्शी ज़्यादा मांगते हैं बस उससे आगे और कुछ नहीं बताते क्योंकि आगे जाएंगे तो वो लामास के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोलते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि मैं आ, बुद्धिस्ट स्कॉलर नहीं हूँ ना या स्टूडेंट ही नहीं हूँ मैं बुद्धिस्ट के बारे में तो मेरा जो नॉलेज है वो ज़ीरो है तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैं ख़ुद समझ में नहीं पाया और लेकिन बहुत ही हमें आइडिया होता है कि किस चीज़ के बारे में बताते हैं लेकिन हमें जब उसका बेस ही नहीं मालूम होगा तो कुछ मालूम नहीं चलता लेकिन उनमें साथ ही साथ वो मार्को मार्कोपेली जब मोनेस्ट्रीज के आगे पीछे जब घूमते हैं तो उन्हें पता चलता दे आर क्रैकड बहुत सारे जगहों से क्रैक हो रखा है और उस पर रिसेंटली वाइट वॉश भी किया है एंड नो वन केयर्स अबाउट दैट तो बहुत ही रंजीदा के बहुत ही गमजदा के गमजदा होके बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात नहीं है उसको अच्छी तरह से रिपेयर करना चाहिए और ये होता नहीं है और शायद यहाँ के लोग या यहाँ के जो है वहाँ पे जो ऑफिशियल से वो लोग इस इस बात को ज़्यादा तनकीद नहीं करते हैं जोर नहीं देते कि इसका ठीक तरह से रिपेयरिंग होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जो वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स है जो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स है उनको कहीं ना कहीं वो वहाँ पर नहीं मिलता एक रीज़न ये बताते हैं कि जो वहाँ पे जो नहीं है उसका एक रीज़न ये है कि डोगरा आर्मीज़ ने एटीन में जो प्लंडर किया था जो लूट किया था उसमें बहुत सारे सोल्जर्स ने वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत कॉस्टली है जो डायमंड से या गोल्ड से बने उन सारों को चीज़ों को लेके चले गए थे लेकिन मार्को पेलीस यहाँ पे थोड़ा सा डीप डिक करके वे बोलते चलो ठीक है वो जो सोल्जर्स है उन्होंने तो उनको जो ले गया जो ऑब्जेक्ट जो बेचने के काबिल थे जो आ, प्राइस कुछ लेते थे लेकिन वाट अबाउट द अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्राइसलेस प्राइसलेस मीन्स नॉट इन देंस कि बेकार है की की वो चीज़ें जिनका कोई मोल नहीं है वो चीज़ें जो आम लोगों के इंसान में तो कुछ भी नहीं है लेकिन एक एक लर्न पर्सन जानता है एक लर्न पर्सन एक, 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 एक स्कॉलर ही जानते इस चीज़ का जो जिसका कोई कीमत अदा ही नहीं कर सकता जैसे कि पेंटिंग्स है मोडालस से जैसे कि स्टैचूस से बहुत सारे जो गोल्ड के भी नहीं बने होते हैं लेकिन जो स्टैचूज उनका जो बना होता है वो किस शख्सियत का बना होता है बहुत ही अफेक्ट रखता है तो वो चीज़ें भी नहीं था तो मार्को पहले इसमें एक इनफर ये करता है कि कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल से मॉनेस्ट्री के वो ट्रेवलर्स के साथ या आर्कियोलॉजिस्ट के साथ और बहुत सारे विजिटर्स के साथ मिलके कहीं ना कहीं उनको समझौता करके उनको भी कुछ न कुछ अदल बदल कर दिया क्योंकि बिकॉज ही इज़ वेरी मच कंसर्नड अबाउट द मोनेस्ट्री एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द मोनेस्ट्री तो उसके बाद वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से uh, बहुत सारे बुद्धिस्ट uh, के बहुत सारे दूसरे फैक्ट्स को बयान करते जैसे कि तांत्रा है चन चन रिजिक ये uh, वर्ड शायद तिब्बतन या लद्दाखी होगा लेकिन उन्होंने चंगज़िक है कुछ यह है इसका मतलब स्पेलिंग ऐसे सी एच ई एन आर ई जड आई जी या फादर मदर फॉर्म्स ऑफ टेम्पल है बहुत बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही बड़े अंदाज में वो आ, उसी चीज़ों को लेकर मोनस्टिस के उसी ऑब्जेक्ट्स को लेकर बयान करते हैं और पेंटिंग्स को लेकर वो ये कहते हैं कि एक पेंटर है नेम्ड रिग्जिन इन लद्दाख हु इज़ नॉट ओनली फेमस इन लद्दाख बट इज़ वेरी मच वेल नोन एंड फेमस इन द इंटायर तिब्बत और उनका जो पेंटिंग uh, है बहुत ही uh, खूबसूरत है और बहुत ही फेमस है वो सिर्फ वही नहीं देर आर मेनी अदर्स लाइक रिगजिन इन लद्दाख हु आर वेरी वेरी मच Impressive person, very much learned person, and who have that ability to draw and to paint so many things. तो ये सारे के इन सारों चीज़ों को मोनेस्ट्रीज को बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बयान करने के बाद वो जाते हैं खलसी की तरफ वो खलसी जब जाते हैं तो इज अ ब्रिज आउट दैर जो अभी भी है नाउ लेकिन ब्रिज अभी तो बहुत ही व्हीकल्स भी पास कर सकते हैं और वहाँ पे अभी जो पुलिस चेक पोस्ट है खलसी का वो है वहाँ पर तो पहले वहाँ पर क्या होता था डोगरा एक फोर्ट होता था वहाँ पर जो डोगरा आर्मी रहते थे तो उन चीज़ों का बयान करते हुए वो खलसी पहुँचते हुए खलसी से आगे चले जाते हैं तो जहां पे भी जाते हैं देखो मैं बहुत ही फास्ट फास्ट जा रहा हूं जहां पे भी जाते हैं वो हर चीज को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान करते हुए जाते हैं और जहां पे पहुंचते हैं लिकिर पहुंचते हैं लिकिर में अब यहाँ पे लिकिर में उनका जो बयान है मोंग्स का किस तरह से नन्स को किस तरह से बयान बहुत ही पॉजिटिवली बयान करते हैं कि उनमें देखते हैं कि एक ग्रुप आता है और लिकिर लिकर का मैं पहले बता दूँ ये गेलुप्पा या कॉमनली नोन एस येलो हेड्स गेलुप्पा सेक्ट जो दो सेक्ट्स होते हैं जो आम भाषा में बोले तो येलो हेड्स या रेड हेड्स जो गेलुप्पा सेक्ट को हमें ये हमेशा जो गेलुप्पा सेट ऑल वेयर रेड क्लोथ विदाउट एक्सेप्शन एंड इट वॉज फाउंडेड बाई सेंट चौकापा चौकापा चुंग मीन्स अनियन यू नो प्याज तो चौंकापा इन फोर्टीन सेंचुरी एमैन फ्रॉम अनियन लैंड चुंग का कोई किसी कोई था जगह वहां से आए थे तो उन्होंने गेहलू पैसे जो संघ बिनाद रखा था उन्होंने रखा था सो so, uh, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल रिलीजियस एसोसिएशन बना तिब्बत में भी और मंगोल में भी ओके एंड चौंकापावास बिल्डिंग हिज टीचिंग्स ऑन द फाउंडेशन लेड बाई द ग्रेट एंड सेंट अतिशा जो अतिशा ने जो अपना फाउंडेशन अपनी टीचिंग्स रखा था जो लिखे थे जो फलोसफीज उनके ऊपर अपना बेस बना के ये सारा कुछ बनाया था तो लद्दाख में रेड और येलो सेट्स दोनों पाए जाते हैं बुद्धि के एंड लिकिर जो मोनीस्ट्री है लिकिर जो मोनीस्ट्री और लिकिंग जो विलेज है ये गेहलु सेट से, 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 से मंसूब है और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डर एंड लार्जर हाउसेस तो यहाँ पे एक ग्रुप होता है जो लिकिर मोनीस्ट्री की तरफ जा रहा होता है वो वहाँ जाने से पहले वहाँ पे कई जगह पे रुक जाता है तो उनके अटायर्स को

और लिखिर जाने से पहले एक मैसेंजर को प्रेयर जा के ख़बर दे देते हैं एक लड़के के साथ कि हम आ रहे हैं तो ये वो बताते हैं कि ये टिबन में और लद्दाख में एक बहुत ही अच्छा रिवाज है कि ऐसे अन इनफॉर्म कभी घुसते नहीं है घुसने से पहले एक बार जाने से पहले या वहाँ पे विजिट करने से पहले कोई मैसेंजर प्रेयर मैसेज कर डिलीवर कर देते हैं कि हम आ रहे हैं तो उनके साथ वो ही ये लेकर मोनेस्ट्री भी जाते हैं और वहाँ पे न सिर्फ लामाज के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में मोनेस्ट्रीज के बारे में बहुत ही अच्छे से बोलते हैं उसमें ये भी बोलते हैं कि देखो लामाज जो है वो सिर्फ दे नॉट ओनली यू नो लर्न अबाउट रिलीजन ओनली रिलीजन के साथ बहुत सारी चीज़ें तो उनको भी लर्न करते हैं जैसे कि मेडिसिन मेडिसिन के बारे में तो उनमें एक लामा का एक बहुत ही यंग लामा का के कहना है कि जब वो तिब्बत में थे लाशा में थे तो उन्होंने एक स्कूल में एक कॉलेज में टिब्बन जो मेडिसिनल प्लांट्स है फ्लोरास है उनके बारे में क्या पढ़ना शुरू किया था वो अभी लेकर में उनका उन चीज़ों का ही वो क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं जो आम भाषा में हमारे लद्दाख में अबा या अमची बोलते हैं तो उनको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीक़े से एजुकेट किया जाता है ऐसा नहीं कि बस ऐसे अंधाधुन किसी को कोई लगा दे तो लोकल जो डॉक्टर्स होते हैं तो जब भी जहाँ पे भी जाते हैं तो खूबसूरत तरीक़े से लिकर से होता हुआ जब वो आ, आते हैं तो ससपोल पहुँचते हैं फिर आ, आ, हर किसी का मतलब मैंने जो ये पहले कहा था हर किसी के बहुत ही माइन्यूट में डिटेल्स में लगाते हुए जाते हैं ठीक है अब जब ससपोल पहुँचते हैं वो ससपोल में उस वक्त तो जुलाई का महीना था जुलाई के महीने में लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किस तरह से मेल्स फीमेल्स मिल के ये फील्ड्स पे काम कर रहे हैं बहुत ही ये सारा कुछ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लिखा है और ये सबसे बढ़िया चीज़ वो ये लिखते हैं कि उनका जो सिम्पलिसिटी है लाइफ का जो लेह वालों का या जो लद्दाख वालों का ये बहुत ही उनको बात है कि उनके एक स्पेशियस घर होते हैं और उनका जो जो ये होता है कि क्या बोलते हैं बहुत ही जो उनके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ही लिमिटेड होता है और सोर्सेज होता है बहुत ही लिमिटेड होता है और जो मनी होता है बिल्कुल होता ही नहीं है और ये इस मनी के ऊपर बहुत सारे ट्रेवल राइटर्स ने ये रिप्रेजेंट किया है कि द पीपल ऑफ लद्दाख आर वेरी मच पुअर और दे आर इन अ वेरी डेलीपडेटेड कंडीशन बिकॉज दे डोंट हैव मनी तो यहाँ पे मार्को प्लेज उसको काउंटर अट्रैक्ट करते हुए बोलते हैं कि नो इफ दिस इज़ दिस इज़ पुअर एंड इफ दिस इज नोट ए लग्जरियस लाइफ दैन वी शुड डिब्लोर आवर वेल्थ क्योंकि इससे ज़्यादा देखो इतने खूबसूरत तरीके से उनके पास छोटे लिमिटेड सोर्स में कितने खुश हैं ये लोग और छोटे छोटे घर में स्पेशियस छोटे छोटे घर के साथ छोटे के साथ स्पेशियस स्पेशियस घरों में ये लोग बहुत ही खुश है उनके पास पैसा नहीं है लेकिन रिसोर्सेस तो है उनके पास खाना तो है भले ही वो लिमिट हो लेकिन वो जहाँ भी हो बहुत खुश है तो हमें अपने जो अपने पास जो वेल्थ है अपना जो वेल्थ का जो नौशन है उसके ऊपर मैं लाने बेचता हूँ जो वेस्टर्न जो डिस्कोर्स है उस आइडिया को लद्दाख उसके साथ आ, मिला के उनको सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज करता है सॉर्ट ऑफ यू नो डिफेम ही कर देता है मार्को पैलेस की मुझे ये वाला लाइफस्टाइल बहुत पसंद है जिसमें सिम्पलिसटी हो न कि हो जिसमें हमेशा क्या करते रहें हम कंपेयर करते ही रहे हम एक दूसरे के कंपटीशन में रहे एक दूसरे के यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक दूसरे का काम करते हैं ये सारा कुछ ठीक है और ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत आगे जाना अब देखो ये अब जब वो स्पितुक जा रहे होता है तो बीच में जो रास्ता होता है वहाँ से एक अमेरिकन और रशियन लेडी वापस आ रहे होते हैं वो कश्मीर जा रहे होते हैं अपने कारवान के साथ जब मेरे को पहले उन्हें पूछता है कि वट वॉज योर इम्प्रेशन अबाउट लद्दाख सो शी सेज एन एंड आई कोट फ्रॉम पेज नंबर टू दैट इट वॉज अ बोरिंग अनकम्फर्टेबल कंट्री नथिंग टू सी एक्सेप्ट अ फ्यू मॉल मोनिस्ट्रीज तो उसका ये था कि कुछ भी नहीं है बस सिर्फ मोनिस्ट्रीज को ही देखना है और ये मोनोटेनस सच्ची से कुछ मजा नहीं है तो ये बोलने के बाद वो खुद अपना कुछ नहीं बस इसने ऐसा ही बोला तो मैं देखता हूँ कि क्या है लद्दाख मैं खुद जाके बोलता हूँ अब उसके बाद वो आगे जाते हैं ही गोज स्पितुक मोनेस्ट्री सो तो वहाँ पे ये बहुत ही आ, आ, एक मंग होता है उनको लेके जाते हैं कि रात को रुकने के लिए जगह एक कमरे की तरफ जाते हैं तो जाते जाते फिर जब वो लॉक खोलने लगता है तो खोलने खोलते समय वो वहाँ पूछ लेता है यू बुद्धिस्ट तो मार्को पेले बोलते हैं अभी वी आर लर्निंग अबाउट बुद्धिस्ट वी आर यू you नो know, uh, ट्राइंग टू तो अंडरस्टैंड uh, व्हाट इज़ बुद्धिज़्म अभी हम नहीं बोल सकते हैं कि वी आर बुद्धिंग वी, वी आर क्रिश्चियंस बेसिकली तो जो ही वो खोल रहा थे वो तो वहाँ पर रुक जाता है इफ़ यू आर नॉट बुद्धिस्ट देन आई कॉन्ट एलो यू टू एंटर दिस पार्टिकुलर रूम तो ये वहाँ पर बहुत ही uh, हैरान रह जाता है कि भाई ये क्या बोल दिया कि बुद्धिज्म जो रिलीजन था वो यही तो एक रिलीजन जिसके से मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था कि ये क्या नहीं करता है एक दूसरे में भेदभाव नहीं करता है कि जो भी है जिस हर किसी चीज़ को अलाव कर देते तो कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये तो हमें बुद्धिस्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पर रूम में अंदर घुस नहीं रहे कि वो पूछते हैं क्वेश्चन बैक करता है वट इज़ द रीज़न वाई यू आर नॉट एलाउंग अस टू इंटर दिस पार्टिकुलर रूम एंड आई कोट कि बोलते हैं कि uh, फ्रॉम पेज नंबर टू सेवेंटी तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि ए डिविनिटी इन फ्यर्स फॉर्म डिवेल्स इन दिस टेम्पल इफ़ यू वर टू सफ़र सम मिसचीफ एट हिस हैंड्स वी शुड बी डिस्ट्रस्ट अबाउट हिट अबाउट इट तो यहाँ पे एक बहुत ही एक, एक सोल एक बहुत ही पवित्र सोल रहता है इस पर्टिकुलर कमरे में अगर उन्होंने आपको कुछ अजियत पहुँचाया तो हमें बहुत तकलीफ होगी इसीलिए आप इस कमरे में न्यू रुकेगा दूसरा कमरा आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक बहुत ही तगड़े स्कॉलर के साथ ही मिलता है लेहका जिनका नाम होता है दावा दावा मीन्स मून तो उनके साथ बहुत ही खूबसूरत उनके साथ डिस्कशन होता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बुधज़म के डॉक्ट्राइन के फिलॉसफी के या आइडियोलॉजी के बहुत एस्पेक्ट्स पर उनके साथ बातें होते हैं और बहुत कुछ बातें मार्को पेलिस को बोलते हैं और वो रिकॉर्ड भी करता है तो आई थिंक हमें यहाँ पे रुकना चाहिए तो अगले एपिसोड में मैं बोलूँगा कि वन ही रिच इस ले सो हाउ ही फाइंड ले में जाके वो क्या करते हैं एंड आफ्टर दैट when ही गोज टू हेमिस monastery और हेमिस monastery में जाके क्या करते हैं वी विल सी सो so, इसी नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ खुदा